बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 13वां रोज़ा है और रमज़ान जो है वो बहुत ही अच्छा जा रहा है, तो उम्मीद है कि आपका रमज़ान भी जो है वो इसी तरह अच्छा जा रहा होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला के साथ रमज़ान के सदक़े तमाम मुसलमान जो हमारे बहन भाई हैं उनकी मुश्किलात में आसानियाँ पैदा करें। आज हम इफ्तारी में बना रहे हैं कद्दू और गोश्त का सालन, तो ये हम बना रहे हैं मिट्टी की कढ़ाई में। तो मिट्टी की कढ़ाई में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही मज़े का बनता है, तो बहुत ही आसान तरीके से हम बना रहे हैं। आप भी हमारी रेसिपी को फॉलो करते हुए ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको भी मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कद्दू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे गोश्त। डाल लिए, अभी हम प्याज डालेंगे, लहसुन कुटा हुआ, अदरक, टमाटर और सब्ज़ मिर्च, बिल्कुल मामूली सा हम पानी ऐड करेंगे, नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, अभी इसको हम डांप कर पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम चम्मच लगा लेंगे क्योंकि तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हल हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा बकरा है, बड़ा ही प्यारा। तो रमज़ान में जानवरों का भी साथ जो है वो चारे का इंतज़ाम करना पड़ता है, इनका भी ख्याल रखना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा ज़रा मुश्किल काम है क्योंकि रोज़े में चारा काटना, जानवरों की देखभाल करना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त हमारा जो है ये भी गल गया और पानी जो था इसमें काफ़ी छोड़ा हुआ वो भी खुश्क हो गया। तमाम चीज़ें जो है छतरी के अंदर मिक्स हो गई। अभी इसमें हम जो है वो घी शामिल करेंगे, अभी इसमें हम घी शामिल करेंगे। घी जो है वो हम ये छोटा चम्मच है तो ये तकरीबन दो जो है वो हम शामिल करेंगे। अभी इसको भूनेंगे थोड़ा सा एक दो मिनट के लिए और उसके बाद इसमें हम कद्दू शामिल करेंगे। गोश्त को अच्छे तरीके से भून लिए, अभी हम कद्दू शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी कद्दू जो है इनको भी अच्छे तरीके से भूनेंगे।
कद्दू को भी अच्छे तरीके से भून लिया और अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि जो कद्दू जो है वो गल जाए। तो अभी इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे ताकि कद्दू जो नरम हो जाए और गल जाए। अभी हम जो है वो तरबूज जो है वो काट लेंगे। तो आज का जो रोज़ा था ये काफ़ी सख्त है वे गर्मी काफ़ी थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा ही टाइम रह गया रोज़े की इफ्तारी होने में। अभी जो तरबूज है वो काट लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तरबूज जो है वो काफ़ी अच्छा निकला बिल्कुल सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अभी खरबूजा जो है वो भी काट लेते हैं। बनाएंगे खजूर का मिल्क शेक। उसके लिए जो हमने खजूरें ली हैं उसकी जो गुठली है वो हमने निकाल ली है। तो अभी ये शामिल करेंगे। तो अभी हम दूध शामिल करेंगे थोड़ा सा और ये जो दूध हम शामिल कर रहे हैं ये गर्म नहीं किया हुआ कच्चा दूध है। अगर आपके पास ये है तो ये बेस्ट है। अगर आपके पास ये वाला दूध ना हो तो आप गर्म किया हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जग और बना लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कद्दू और गोश्त जो है वो माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त डिलीशियस बना है ये आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो खजूर का हमने मिल्क शेक बनाया था बहुत ही मज़े का बना था और सेहत के लिए भी बड़ा अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े की इफ्तारी हो गई है और ये थी हमारी सादा सी इफ्तारी। और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।
और आप अपनी इफ्तारी जो है वो कैसे करते हैं? हम इस तरह करते हैं अपनी सारी फैमिली के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मज़े की इफ्तारी थी। तो अभी नमाज के लिए जाएंगे, तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।